क्रांति दिवस के अवसर पर गुरुवार को अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच भक्त राज राम त्रिपाठी की अध्यक्षता में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में भारी संख्या में शिक्षक अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे शिक्षक और कर्मचारियों ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद जीवन यापन का एकमात्र सहारा पेंशन ही है। नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को इस बात की चिंता है कि उनकी जमा धनराशि को शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जाएगा, जहां से निश्चित मासिक आय की कोई गारंटी नहीं है। सरकार अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस अवसर पर भारी संख्या में कर्मचारी शिक्षक अधिकारी मौजूद रहे और वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष भक्त राज राम त्रिपाठी ने कहा, सभी पढ़े हुए लोगों, 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। भारतीय इतिहास में, भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास में आज के दिन को क्रांति दिवस के रूप में जानते हैं। साम्राज्यवादी नीति के चलते जगह जगह इन लोगों ने साम्राज्य अपना स्थापित करना चाहा। उस दौरान इनके अनेकों सैनिक जो है शहीद हुए। उन शहीदों की विधवाओं के पेन को अर्थात उनके दर्द को देखते हुए उनके मन में ये उपजा, विधवा होने के पश्चात इंद्रापति इनके साथ नहीं है, इनके लिए सरकारी कोष से कोई ऐसा उपाय किया जाए कि इनको भरण पोषण का काम हो सके। उसके लिए उन्होंने 1873 में सर्वप्रथम केवल युद्ध में विधवाओं के लिए उन्होंने पेंशन की शुरुआत की। जो दर्द उनको था पति की पीड़ा का, पेन के रूप में उन्होंने दर्द करने की कोशिश की, पेन का नाम देके। कालांतर में सरकारी कर्मचारियों पे धीरे धीरे आदेश लागू होने लगा, भारत सरकार में भी लागू हुआ है। अपना नाम आदरणीय श्री श्री परिचय के मोहताज नहीं है, जब चुनाव लड़ने जा रहे थे लखनऊ से, और बड़े ही आदर पूर्वक उन्होंने कहा, उनका सोही नहीं कर रहा है, उतने बार करी करेंगे, उतने बार हमारे पैसे, हमारे जो सुरक्षा के साथी है वो देखे कि शिक्षक कर्मचारी कितने अनुशासन में है अपनी जायज मांग को लेकर। आज यहाँ लेकिन जब भी जागे तभी सवेरा हम क्रांति दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के आह्वान पर धरने पर हैं, और एकमात्र मांग हमारी है कि पुरानी पेंशन बहाल करो। निश्चित रूप से हमारे कर्मचारी 40 वर्ष सेवा करके और आज पेंशन से वंचित किए जा रहे हैं, जबकि इनके विधायक और सांसद, अगर विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, राज्यसभा सदस्य हो जाए, तो तीनों पेंशन प्राप्त करेंगे। हर वर्ग को आज पेंशन दे रही है सरकार, केवल कर्मचारी शिक्षक और अधिकारियों को 2004 के बाद पेंशन बंद की गई है। इस मंच के माध्यम से हम मांग करते हैं कि ये पेंशन बहाल की जाए। अगर नहीं बहाल की जाती है तो उत्तर प्रदेश का कर्मचारी शिक्षक अधिकारी आने वाले दिनों में एक विशाल आंदोलन करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन की होगी।